ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को। उन्होंने सबसे पहले भगवान की आत्म साक्षात्कार करने के लिए पहला कदम हम क्या ले सकते हैं इस भौतिक संसार में। जिन लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनकी भगवान के भक्ति के प्रति अभी तक निष्ठा जागृत नहीं हुई है, उन लोगों के लिए उन्होंने बताया था पहला कदम कि उन्हें भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा क्यों बताया गया है ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आपने सुना होगा कि जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो निराकारवादी हैं, वो ध्यान किसके ऊपर लगाते हैं? वो किसी निराकार के ऊपर ध्यान लगाना चाहते हैं, या फिर वो सोचते हैं कि किसी ज्योति के ऊपर ध्यान लगाना है, किसी बिंदु के ऊपर ध्यान लगाना है, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है कि भगवान का रूप होता है, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। जरा अगर हम थोड़ा सोचने का प्रयास करें, हमारे मन को खुशी एक बिंदु के ऊपर ध्यान लगाने से मिलेगी या भगवान के श्याम सुंदर के सुंदर रूप के ऊपर, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने से हमें मन की शांति और आनंद की प्राप्ति होगी? ये तो हम जस्ट जनरल विचार करके भी सोच सकते हैं। तो ये जो निराकारवादी हैं, जो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के कोई गुण नहीं होते हैं, और ये जो मतलब इस प्रकार की जो धारणा रखते हैं, इन लोगों के लिए भगवद गीता में स्वयं भगवान बताते हैं इनके लिए ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं। 12वें अध्याय में आप पढ़िए, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से, भगवान इस भौतिक संसार में कुछ लोग आपके रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं, आपकी भक्ति करते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो आपके निराकार रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि भगवान का एक निराकार रूप है, ब्रह्म ज्योति के रूप में, जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जैसे हमने उदाहरण दिया था, सूरज है और सूरज की रोशनी है, लेकिन सूरज की रोशनी सब कुछ नहीं है। उससे ऊपर सूरज है और उससे ऊपर सूर्य देव है। इसी प्रकार वेदों में बताया है, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर भगवान है। तो ये जो लोग ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं या भगवान के निराकार ब्रह्मन के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में ये प्रश्न अर्जुन ने किया भगवान कृष्ण से, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, जो आपके साकार रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं या जो निराकार के ऊपर ध्यान लगाते हैं? तो भगवान क्लियरली बताते हैं कि जो मेरे दिव्य रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं वे अत्यंत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो निराकार रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं उनका मार्ग दुखों से भरा है, कठिनाइयों से भरा रहेगा। भगवान क्या कहते हैं, देखिए, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। जिसका हृदय अव्यक्त से, व्यक्त का मतलब होता है जैसे जिसका रूप होता है, अव्यक्त का मतलब है जिसका रूप नहीं दिखता है, जिनका हृदय अव्यक्त से आसक्त है, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, उनका मार्ग कैसा होता है? क्लेशा अधिका, क्लेश, अधिक से अधिक क्लेशों से उनका मार्ग भरा हुआ है। तो ये तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बताते हैं। मतलब क्या है, देखिए, अगर आपको आपका कान पकड़ना है तो आप ऐसे टेढ़े करके भी पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जो बड़ा कठिन है, या फिर सीधे रूप से आप ऐसे पकड़ सकते हैं। तो भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा सरल और सीधा है, और जो ये ज्ञान और ये जो भगवान के जो अव्यक्त रूप के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं ये बड़ा टेढ़ा मार्ग है, बड़ा क्लेशों से भरा हुआ है। तो अभी हम इसको देखेंगे किस प्रकार से होता है। इसलिए भगवान, अगर आप देखेंगे, सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए सबसे पहले कहा कि भाई ये जो निराकार के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं उससे बढ़िया तो क्या करना है, भगवान के विराट रूप के ऊपर तो कम से कम ध्यान लगाएं, जिससे उसे जो है एक प्रकार से रूप की धारणा मन के अंदर में बैठेगी कि भगवान का रूप होता है। तो हो सकता है कि उसे अभी ज्ञान ना हो कि भगवान का ऐसा ही रूप होता है जैसे हमारे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं। वो सोचेगा कि अरे भगवान भी हमारे जैसे दिखते हैं तो फिर वो भी मनुष्य हैं। तो इसके लिए विराट जब रूप होता है तो उसको उसकी जो है एक प्रकार से वो सोचता, हाँ ऐसा भगवान हो सकता है। तो इसलिए ये पहला कदम है। जो नास्तिक लोग हैं, जिनको भगवान के साकार रूप के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं है, जो भक्ति में नहीं लगे हैं, उनके लिए पहला कदम क्या बताया था सुखदेव गोस्वामी ने? भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाओ। दूसरा कदम अब बताते हैं कि जो इनसे थोड़े आध्यात्मिकता में प्रगति कर चुके हैं, उन लोगों के लिए अब सुखदेव गोस्वामी जो है बताते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने हृदय के अंदर में परमात्मा को ढूंढना चाहिए और ढूंढ करके परमात्मा के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। और वहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी, देखिए, चरणों से ही प्रारंभ करते हैं। हमेशा भगवान के दर्शन चरणों से किए जाते हैं। हम मंदिर में भी जब जाते हैं, भगवान का सबसे पहला जो है हंसता हुआ मुख नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले हमें अर्चना जो प्रारंभ होती है, देखिए आप, जब हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं सबसे पहले चरणों को चढ़ाते हैं। तो भगवान के दर्शन भी इसी प्रकार से होते हैं। भागवत का श्रवण और भागवत का कथन भी इसी प्रकार से होता है। देखिए, ये बड़ा समझने लायक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम भक्ति में सही प्रकार से बढ़ना चाहते हैं तो जैसा वेदों में बताया है उस प्रकार से करना है। मन माने तरीके से जो है, उस प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं की जाती है। तो कैसा बताया है, सबसे पहले भगवान के चरण कमलों के ऊपर विराट रूप के बारे में भी उन्होंने बताया था। सबसे पहले भगवान के जो पाद हैं, पाद मूलम, वो क्या है, जैसे रसातल है, तलातल है, पहले वहाँ से ध्यान जो है प्रारंभ करना है। बाद में भगवान की धीरे धीरे जंघा तक, बाद में भगवान की नाभि, भगवान के हृदय, भगवान के गले तक, बाद में भगवान के हंसते हुए चेहरे तक, उस प्रकार से जो है ध्यान लगाना चाहिए। विराट रूप में भी यही बताया था। अब जो परमात्मा के बारे में बताते हैं वो भी यही बताते हैं। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वेदों में बताया है परमात्मा हृदय के अंदर में, उनकी लंबाई कितनी है, लगभग बताई जाती है 8 इंच की लंबाई है भगवान की। परमात्मा के रूप में भगवान की लंबाई जो है लगभग 8 इंच की है। और भगवान किस रूप में विराजमान है हृदय के अंदर में, परमात्मा का क्या रूप होता है? परमात्मा का भगवान विष्णु का रूप है। शंख चक्र गदा पद्मा भगवान ने धारण किया हुआ है। तो उस प्रकार से भगवान के जो है चरण कमल से प्रारंभ करना है, धीरे धीरे भगवान के ऊपर ऊपर जा कर के भगवान के जो है दर्शन उस प्रकार से करने हैं। तो ये जो है बताया गया है भगवान के ऊपर किस प्रकार से ध्यान लगाना है। ये जो ध्यान का जो अब ये मार्ग बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये भी कलयुग के अंदर में कठिन है। सतयुग में हमने सुना था कि ध्रुव महाराज जो है घर छोड़ करके चले गए और 6 महीने तक लगातार तपस्या की, भगवान के ऊपर उन्होंने ध्यान जो है लगाया। लेकिन कलयुग के अंदर में ना तो हमारे पास में उतना समय है और ना ही हमारा मन उस प्रकार से स्थिर है। मन अत्यंत चंचल है कलयुग के अंदर में। तो वो कैसे है, देखिए भगवत गीता में इसका विवरण दिया गया है। ये जो ध्यान योग होता है इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। ये कैसे प्रारंभ होता है? 8 अंग आपने सुने ना, इसको अष्टांग योग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 8 अंग होते हैं। और इसके बारे में भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में बताते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहली ज़रूरत क्या है? वो कहते हैं सबसे पहली ज़रूरत है व्यक्ति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आज कितने लोग हैं जो विवाह नहीं करना चाहते हैं, और पूर्ण रूप से अगर आपने विवाह भी किया है तो पूर्ण रूप से आपके परिवार का त्याग करके कम से कम आगे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो कलयुग के अंदर में तो काफ़ी कठिन है ये। दूसरा उसमें बताया है सब कुछ त्याग करके इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति को जो है एकांत जगह पर जाना चाहिए। और एकांत जगह में भी कौन सी जगह पर? पवित्र जगह पर जाना चाहिए, सेक्रेड एंड लोनली प्लेस। सेक्रेड का मतलब होता है अत्यंत पवित्र स्थल, और लोनली का मतलब होता है एकांत जगह पर। अब देखिए उसे अंग्रेजी में कहते हैं सिक्लूडेड, मतलब जहाँ पर लोग ना हो। इसलिए आपने देखा होगा संत महात्मा गण जो हैं कहीं पर गांव के अंदर में बैठ कर के जो है तपस्या नहीं करते थे, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं लगाते थे। वो जो हैं वनों में जाते थे, पवित्र स्थलों पे जाते थे, जैसे कैलाश हो गया या फिर ऋषिकेश हो गया, हिमालय पर्वत हो गया। तो इस प्रकार की जगहों पर जाकर के जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जाता था। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं। पूरी भरी जो है सिटी के अंदर में लोग जो है अष्टांग योग करना चाहते हैं, मतलब वो जो भगवान ने जो कंडीशन बताई है उसको ही पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो उनको फल भला कहाँ से मिलेगा? पवित्र स्थान पर नहीं जाते हैं, भरी सिटी के अंदर में जो है किसी स्टेज के ऊपर जाकर के जो है लोग सोचते हैं कि मैं योग करूँगा, और बिल्कुल जो है एकांत स्थल पर मात्र होती है। तो ये दो कंडीशन हो गई। आगे उसके 8 अंग बताए जाते हैं। ये 8 अंग क्या है, हम एक एक जो है समझने का प्रयास करेंगे। पहला अंग आता है यमा, यमा। दूसरा आता है नियमा। जैसे अंग्रेजी में आपने सुना होगा, अगर आप किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे, आप बीमार अवस्था में हैं, तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए डॉक्टर जो है आपको कुछ चीज़ों से परहेज करने के लिए कहेगा और कुछ चीज़ें आपको करने के लिए कहेगा। मतलब अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डोंट्स, ये मत करो, और डूज, ये सब करो। जैसे उदाहरण के तौर पर डॉक्टर आपसे कहेगा तली हुई चीज़ें मत खाओ, गंदा पानी मत पियो, ये होगा परहेज, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और कुछ चीज़ें करने के लिए बोलता है, वो कहेगा गर्म पानी पियो, जो है तुम गार्गलिंग करो, बहुत सारा जो है फलों का सेवन करो, पानी पियो, ये सब हो गया डूज एंड डोंट्स। तो यही इसका अर्थ होता है यमा और नियमा, और इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।